चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों नीट 23 का एग्जाम हो चुका है मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा आज इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं तो इम्पोर्टेंट अनाउंस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके मन में ये उत्सुकता होगी कि NEET 23 की कैटेगरी वाइज कटऑफ क्या रह सकती है NEET 23 का डिफिकल्टी लेवल कैसा था क्वेश्चन पेपर का तो इसके बारे में मैं जल्द ही वीडियो लेकर के आऊंगा एक बार पेपर एनालिसिस करने के बाद मैं आपको कटऑफ बता दूंगा आप सबको पता है कि मैं जो कटऑफ प्रेडिक्ट करता हूं वो सारी डाटा एनालिसिस करने के बाद में प्रेडिक्ट करता हूं और वो कटऑफ एक्यूरेट जाती है प्रीवियस ईयर में ये देखा गया है कि जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट गई है क्योंकि ये सारी जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की जाती है वो सारे क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल सीट इंक्रीज और इसमें कितने स्टूडेंट अपेयर हुए उन सबको देखते हुए ये कट ऑफ प्रेडिक्ट की जाती है और ये कट ऑफ हमारी सही रहती है इसमें अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में तो नीट का एग्जाम हो चुका है अभी कुछ ही दिन में रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में काउंसलिंग काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हर बार बार की तरह इस बार भी मैंने के रिगार्डिंग बुक पब्लिश की है एमसीसी यानी ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है एम्स की काउंसलिंग होती है डीम्ड ईएसआईसी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो काउंसलिंग होती है उसके बारे में ये बुक अवेलेबल है प्रीवियस ईयर में जो मैंने बुक लिखी थी स्टूडेंट को काफी उस बुक से हेल्प मिली है और इसमें स्टेट इस कोटा 85% परसेंट के लिए हरेक स्टेट की इंफॉर्मेशन है इस बुक में एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए इसी प्रकार से आयुष की बी एम एस बी एम एस बी यू एम एस बी एस एम एस और वेटनरी कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए ये बुक अवेलेबल है ये जो सारी बुक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी इसमें अभी क्या क्या इस बुक की फैसिलिटी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो जो सबसे पहले इंडिया कोटा की बुक है उसके अंदर जो काउंसलिंग कवर्ड की है उसमें ऑल इंडिया कोटा की कवर्ड की है एम्स जिपमर एस डीयूआईपी इंटरनल दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इंटरनल कोटा जो डेली का होता है एटी फाइव परसेंट कोटा इसके बाद बी एच यूमय डीम्ड यूनिवर्सिटी एफ एम सी और सेंट्रल कोटा इनके बारे में ये काउंसलिंग कवर्ड की गई है अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस ई बुक में तो सबसे पहले सभी कॉलेज की कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है इसके बाद में कॉलेज वाइज कट ऑफ दी गई है और मेन बात यह है कि इसमें चार साल की कट ऑफ दी हुई है प्रीवियस ईयर की चार साल की कट ऑफ दी गई है चॉइस लिस्ट दी गई है 2023 के लिए आपको कैसे चॉइस फिल करना है ये काफी सारा इम्पोर्टेंट है ये स्टूडेंट के लिए काफी प्रॉब्लम होती है कि चॉइस फिल कैसे करें कौन से क्रम में चॉइस फिल करें कौन सी कॉलेज को पहले फिल करें कौन सी कॉलेज को बाद में फिल करें यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के लिए क्योंकि कॉलेज आपको वो लेना है जिसमें आपको साढ़े साल तक एम करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैंने एक लिस्ट दे रखी है इसमें उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसके अंदर चॉइस फिल कर सकते हैं उसकी सहायता लेके इस बुक की सहायता लेके जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब आप चॉइस फिल कर सकते हैं और एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इसमें मैंने बॉन्ड डिटेल भी दे रखी है कॉलेज वाइज ये भी बड़ा स्टूडेंट के लिए इश्यू होता है क्योंकि जिस स्टेट में बॉन्ड ज्यादा होगा तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी जैसे कि किसी किसी स्टेट में पांच साल का बॉन्ड भी होता है तो अगर आप एम करते हैं और उसके बाद में पांच साल तक आपको वहां रहना होता है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और जब बॉन्ड की जो पेनल्टी है वो पे करना बड़ा मुश्किल क्योंकि वो काफी ज्यादा पेनल्टी होती है और हर एक स्टूडेंट उसको पे नहीं कर पाता है तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है इसमें कॉलेज वाइज फीस दे रखी है कौन सी कॉलेज की कितनी फीस है कुछ कॉलेजेस की फीस तीन लाख तीस हजार तक है तो वो अलग अलग कॉलेजेस की फीस दे रखी है कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं ऑल इंडिया कोटा की एम्स में ओपन की कितनी सीटें हैं इसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है ये एक फ्लो चार्ट से मैंने समझा रखा है इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काउंसलिंग प्रोसेस क्या है कि कैसे काउंसलिंग करवानी है आपने फर्स्ट राउंड में क्या कंडीशन है सेकंड राउंड में क्या कंडीशन है इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके अलावा और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन है तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन इस बुक में मिल जाएंगी तो कौन कौन सी इसमें फैसिलिटी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं इंसिली तौर पर तो चॉइस लिस्ट जो दी गई है 23 के लिए आप चॉइस करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर दिया गया है कौन से प्रायोरिटी ऑर्डर में कॉलेज आप फिल करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इंफॉर्मेशन क्या -क्या तो सारी सारी इस ऑल इंडिया कोटा की बुक में अवेलेबल है अब बात करते हैं आगे सीट मैट्रिक्स दिया गया हर एक कॉलेज का कैटेगरी वाइज ट्यूशन फीस कितनी है कौन से ईयर में कौन सी कॉलेज स्टेब्लिश हुई थी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है ऑल इंडिया कोटा की बुक की में अभी इसमें न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2023 से कौन कौन से रन हो रहे हैं कितनी सीटें इसमें आ रही हैं इसके बारे में भी बताया गया है कट ऑफ इसमें चार साल की दी गई है कैटेगरी वाइज कट ऑफ राउंड वाइज कट ऑफ कॉलेज वाइज कट ऑफ दी गई है वो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगी तो ये कट ऑफ मैंने इसमें दे रखी है जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका स्कोर uh, कितना आ रहा है तो आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है क्योंकि स्कोर तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे अभी तो इसके बाद में आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है आपके स्कोर पर तो इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप ये आइडिया लगा सकते हैं इसमें इसके बाद में डिम्ड यूनिवर्सिटी की कट ऑफ दी गई है एम्स की कट ऑफ दी गई है डी और आईपी कोटा के बारे में पूरा समझाया उनकी कट ऑफ दी गई है काउंसलिंग प्रोसेस को समझाया गया है ई कोटा के बारे में समझाया गया है इसमें इसके बाद में जो काउंसलिंग का प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट एडमिशन तक का उसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया है कि कैसे कैसे आपने काउंसलिंग करवानी है तो ऑल इंडिया कोटा की ये बुक आपके लिए इतनी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी कि आप अच्छी तरह काउंसलिंग कर पाएंगे अब इसी तरीके से स्टेट की बुक है स्टेट की बुक में भी वो सारी फैसिलिटी है जो ऑल इंडिया की बुक में थी स्टेट में सारे स्टेट्स की इंफॉर्मेशन इस बुक में अवेलेबल है 540 पेजेस पेजेज की ये बुक है तो इसमें सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है हर एक स्टेट की सेम उसमें वही टॉपिक कवर किए गए हैं इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है कॉलेज वाइज कट ऑफ फोर इयर्स की कट ऑफ दी गई है इसमें चॉइस लिस्ट दी गई है हर एक स्टेट की कि आपने स्टेट काउंसलिंग करवाते समय उसमें कैसे चॉइस देंगे कौन सी कॉलेज टॉप की है कौन सी लोवेस्ट कॉलेज है किसका क्रम कैसे रखेंगे बॉन्ड की डिटेल दी गई है इसमें स्टेट वाइज कौन से स्टेट में कितना बॉन्ड है कॉलेज वाइज फीस दी गई है सीट दी गई है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट राउंड में कैसे सिक्योरिटी मनी डिपोजिट करनी है कैसे सिक्योरिटी मनी फॉरफिट फिट होती है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं हर एक स्टेट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इसके अलावा और भी सारी अदर इंफॉर्मेशन इस बुक में अवेलेबल है तो मैं सोचता हूं कि स्टेट कोटा की बुक भी आपके लिए इतनी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी कि इसकी सहायता से आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अब इसमें फैसिलिटी क्या रहेगी जैसे कि मैंने आपको बताया है स्टेट वाइज बॉन्ड की डिटेल होगी कौन से स्टेट में कितना है रूरल सर्विस कितना है रूरल सर्विस की पेलेंटी कितनी है इसके बाद डिसकंटिन्यू बोर्ड की पेलेंटी कितनी है इसमें तो ये सारी की सारी इसमें दे रखी है स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस बुक में अब जैसे स्टेट की हर एक स्टेट की अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें इसमें जैसे कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है गर्ल्स की कितनी कट ऑफ रही थी बॉयज की कितनी कट ऑफ रही थी इसके बाद में इसमें हर एक स्टेट की हर एक कॉलेज की इंफॉर्मेशन है प्राइवेट कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन भी इसमें अवेलेबल है इसी प्रकार से हर एक स्टेट का फर्स्ट राउंड में कैसे क्या प्रोसीजर है सेकंड राउंड में क्या है काउंसलिंग का राउंड वाइज प्रोसेस दिया गया है फीस कितनी डिपोजिट करनी है इसके अलावा हर एक स्टेट में ओपन स्टेट कौन कौन से स्टेट में उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है ओपन स्टेट की फीस क्या है उसमें कट ऑफ क्या रहती है सीट्स कितनी है सारे ओपन स्टेट जितने भी हैं उसकी इंफॉर्मेशन इस स्टेट कोटा की बुक में दी गई है ताकि जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स कम है वो आइडिया लगा सके कि मेरा कौन सी स्टेट में कितनी फीस पर कौन सी कॉलेज में एडमिशन हो सकता है तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस स्टेट कोटा की बुक में अवेलेबल है इसके बाद इसी प्रकार से आयुष और वेटनरी की बुक भी अवेलेबल है आयुष और वेटनरी की बुक में बी बीएचएमएस एस बीएसएमएस के बारे में दिया गया है बीवीएससी एंड ए जो वेटनरी कोर्स है उसके बारे में भी दिया गया है जो आयुष के लिए ऑल इंडिया, को इंडिया कोटा और ऑल इंडिया कोटा एडेड कोटा होता है उसके बारे में भी दिया गया है इसमें सेम वही कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है फीस दी गई है चॉइस लिस्ट दी गई है 2023 के लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए बीएमएस के लिए आयुष के लिए चॉइस लिस्ट दी गई है वेटनरी कोर्स के लिए चॉइस लिस्ट दी गई है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है इसमें फीस कितनी है कॉलेज वाइज सीट कितनी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टेट कोटा की बुक में आयुष की बुक में और ऑल इंडिया कोटा की बुक में अवेलेबल है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया दिया इसके अलावा इनमें और काफी सारी इंफॉर्मेशन है तो आपके लिए ये काफी लाभदायक रहेगी अब इसको डाउनलोड कैसे करना है तो डाउनलोड करने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो यहां पर मोर का ऑप्शन मिलेगा ये इन बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक बुक का लिंक दिया गया है तो यहां पर आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा इस मोर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे लैपटॉप वगैरह में शो मोर लिखा होता है मोबाइल में मोर का ऑप्शन लिखा होता है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक बुक का लिंक है इस बुक के लिंक पर यहाँ पर आप क्लिक करके इसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस बुक को डाउनलोड करने के लिए आपने इस लिंक पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसके डाउनलोड ऑप्शन में चले जाएंगे मैंने यहाँ इसका कुछ प्राइस रखा है तो वो प्राइस पे करने के बाद इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके बाद में हरेक की दोनों वर्जन है इंग्लिश वर्जन है ऑल इंडिया, इंडिया कोटा का हिंदी वर्जन है स्टेट का इंग्लिश है स्टेट का हिंदी वर्जन है तो इन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा आप इसको हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट चोपड़ा एजुकेशन चोपड़ा एजुकेशन डॉट इन से भी डाउनलोड कर सकते हैं ये वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस बुक को तो मैं सोचता हूं ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी आप अपना स्कोर एक बार कैलकुलेट कर लें, उस स्कोर के अकॉर्डिंग इस बुक की हेल्प लेकर के ले आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है आपकी फीस कितनी लगेगी और कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा तो इसकी मदद से आप आराम से काउंसलिंग के लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं प्रीवियस में स्टूडेंट्स के लिए ये बुक काफी लाभदायक रही थी और मैं सोचता हूं आपके लिए भी काफी लाभदायक रहेगी इसके बाद में मैं अभी पेपर का एनालिसिस कर रहा हूं कैसे पेपर का डिफिकल्टी लेवल था और कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में मैं जल्द ही वीडियो लेकर के आऊंगा ये जो इंफॉर्मेशन बुक की है ये मैंने स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी और एमसीसी काउंसलिंग अथॉरिटी से ली है तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है इसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो ये जानकारी थी इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद